लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझने के बाद अब हम लोग इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, ऐड दिस इरेशनल नंबर टू दिस इरेशनल नंबर, इन दोनों इरेशनल को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपल सा मेथड हम जानते हैं, जैसे हम बाकी नंबरों को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लगाया एडिशन का साइन। ठीक है, एडिशन में कोई भेदभाव नहीं है, आप इसको पहले लिख लीजिए, प्लस का साइन लगा के इसको लिख लीजिए। ठीक है, या इसको पहले लिख लीजिए, प्लस का साइन लगा के इसको लिख लीजिए। समझ रहे हैं ना, एडिशन आर कम्यूटेटिव, पढ़े हैं ना आप, पढ़े हैं। ठीक, 9√3 + 7√5, और एडिशन करते समय किसी को ब्रैकेट में रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं होता प्लस के होने से, है ना। लेकिन जब माइनस करते हैं तो माइनस के बाद जो क्वांटिटी आती है उसको किस में रखना चाहिए, ब्रैकेट में। क्यों, माइनस से सबके साइन बदलते हैं इसलिए। ठीक है, ओके, देखिए दिस इज 7√3, दिस इज 9√3। 7√3 में कौन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रूट थ्री वाला, तो जो रूट थ्री वाला होगा वही इसके साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो रूट फाइव वाला होगा वही इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। समझ रहे हैं ना, एडिशन के लिए रूट का नंबर कैसा होना चाहिए, सेम। तो जो सेम नंबर वाले हैं रूट वाले, उनको साथ में लिख लेते हैं, 7√3 + 9√3 साइन के साथ ना, 5√5 + 7√5। समझ आया, अब आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो या कॉमन निकाल के कर लो, जैसे आपको जमे। लिखो, मैं कॉमन निकाल दूं, 7 + 9√3 दोनों में था तो √3 कॉमन आ गया, यहाँ √5 दोनों में है तो हम √5 कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं, इसको थोड़ा सा देखिए ना, इसको समझिएगा थोड़ा सा, देखिए ना, यहाँ पर इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज +√5, दिस इज -√5, ये कितना हो जाएगा, 7 और 9 16, तो ये तो हमारा 16√3 बन गया। अब यहाँ से हम √5 कॉमन लेंगे, सो दिस इज 7 - 5√5, 16√3 + 2√5, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझे, समझे कि नहीं समझे, ये ऐसा आ जाएगा। आप अगर इसको पहले लिखते हैं तो माइनस साइन यहाँ आएगा, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। समझे नहीं समझे, ठीक, ये आया समझ में, मैंने इसको पहले कर लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं फिर मैं कहूँगा ब्रैकेट में अंदर साइन माइनस हो जाएगा ब्रैकेट लगाने से, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट लीजिए, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 3√2 - 2√3 फ्रॉम दिस, तो इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम का मतलब समझते हैं आप, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है उसको पहले लिखेंगे, और जिसको करना है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम वो नंबर लिख रहे हैं, 3√3 - 2√5 माइनस, जैसे ही माइनस के बाद अगली क्वांटिटी लिखनी हो तो किस में लिखेंगे आप, ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा लीजिए, दिस इज 3√2 - 2√3। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हाँ, आप कौन किसके साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जिस रूट की वैल्यू सेम होगी वो आपस में ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, √3 वाला किसके साथ जाएगा, 2√3 के साथ ना, ये √5 ही है, देखो बुक में, ठीक है ना, ठीक, तो √3 वाला √3 के साथ, उसके बाद माइनस √5 √2, ये कितना हो जाएगा,
इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 3√3 + 2√3, नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई 3√3 है और 2√3 है, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? हाँ आप चाहो तो कॉमन निकाल के बना सकते हो, डायरेक्ट लिख दूं मैं कितना हो गया ये, हाँ ये दोनों साथ में सॉल्व होंगे क्या? क्यों? क्योंकि ये रूट फाइव है और ये रूट टू है, आपस में सेपरेटली ऐड हो सकते हैं क्या? नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए? नोट करो इसको, आप किसी को पहले लिखें बाद में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, याद रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हम जान रहे हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, पहला √3 × √5, क्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? अगर प्लस माइनस का साइन आया होता तो हो जाते? नहीं होते ना, आप जान रहे हैं रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर, हाँ तो कितना लिख दूँ मैं, √15 आंसर, समझे? सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? देखिए 2√3 × 7√2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, हाँ कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा मूल मंत्र, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और रूट रूट के साथ। कहने का मतलब ये है रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और इरेशनल नंबर के साथ, आया समझ में? तो 2 और किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 का, और √3 और √2 का, समझ में आ रहा है? रेशनल रेशनल के साथ, इरेशनल इरेशनल के साथ, आया समझ में? ओके, ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो जाएगा, एक रूट के अंदर आ जाएंगे, सो 14√6, दिस इज आंसर, समझे? अगला क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखिए, 2 + √5 × 2 − √5, कोई फॉर्मेट याद आता है आपको इसको देख के, कौन सा फॉर्मेट? a + b a − b, क्या फॉर्मूला होता है? a² − b² डायरेक्ट लिख दूं मैं, ए कौन है 2 माइनस बी कौन है 5, नहीं है भाई √5 है, तो a² − b², ये तो नंबर है रेशनल, तो इसका स्क्वायर इसको क्या बना देगा 4, ये क्या है इरेशनल, रूट का स्क्वायर रूट खत्म कर देता है 5, कितना आया आंसर −1, समझे? अगला √7 + √3 × √2 + √5, क्या करना है? अब तो आपको यहाँ a + b a − b नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है क्या? नहीं, दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इससे पहले इन दोनों को, फिर इससे इन दोनों को जोड़ देंगे, समझे ना? तो पहले ध्यान से देखिए, √7 से किसको मल्टीप्लाई करना है, √2 को, फिर प्लस 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 √7 से √5 को, तो √7 से इन दोनों का हो गया, अब ये वाला प्लस 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 ये प्लस √3 से √2 को, फिर प्लस 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 √3 से √5 को, ये आया समझ में? अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट वाले दो अलग अलग नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि नहीं, हो जाते हैं, तो इसको कितना लिख लेना है √14, समझ? आप चाहो तो पहले एक ब्रैकेट एक रूट के अंदर 7 × 2 कर लो या डायरेक्ट लिख दो, समझ में आता है हमको? ओके, ये कितना होगा √35, ये √6 और ये √15, कोई रूट सेम है क्या, कोई रूट आपको सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिखता, तो ये हमारा आंसर है, अगर कोई सेम दिखता तो आपस में जुड़ जाता, समझ रहे हैं? दिस इज अवर आंसर, दिस इज सिंप्लीफिकेशन, हो गया? ठीक, इसके बाद एक हमको कॉन्सेप्ट समझना है, आप नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है, एंड द कॉन्सेप्ट नेम इज रेशनलाइजेशन, तो इसमें ऊपर छोटा सा हेडिंग भी आप दे दीजिएगा, रेशनलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा ना, रैशनलाइजेशन। ठीक है, पहले इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, उसके बाद बनाइए। ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इधर देखो, इधर देखिए ना, मैंने आपको नंबर दिया रूट टू। रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर? इरेशनल। मैंने कहा वन से डिवाइड कर दो, रेशनल है कि इरेशनल? ये रेशनल। तो एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करवाना है, रिजल्ट में क्या मिलेगा बोलिए? ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर में, तो रिजल्ट में इरेशनल नंबर मिलना ही हमको मालूम है, लेकिन क्या आप डिवाइड कर लेंगे? नहीं कर पाओगे। मैंने कहा चलो वन आपको बहुत खतरनाक लग रहा है, चलो टू लिख लो आप। वन से तो कोई भी डिवीजन हो जाता है, उतना ही आता है ना, टू से करना है तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। रूट टू की वैल्यू जानते हो ना, 1.414213 समथिंग ऐसे होता है। इसको टू से डिवाइड नहीं कर सकते, कितना आया? 20 जा 0 पॉइंट, 27 जा 14 है ना, फिर 0, 20 जा 0 1, 1 और 4 14 हो गया, 27 जा 14, 21 जा 2, 20 जा 0, फिर 13 बनाइए, 26 जा 12, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। डिवाइड कर लिए कि नहीं कर पाए? कर लिए ना। क्यों कर लिए ध्यान से सुनिए, इधर देखो, इधर देखो, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कैसा नंबर था? इरेशनल। और डिनोमिनेटर में कैसा नंबर था? रेशनल। तो इसको डिवाइड करना बहुत आसान है कि नहीं है? कर लेते हैं हम लोग फिलहाल। अगर मैं इस सीक्वेंस को पलट दूं, समझे ना, यानी न्यूमरेटर में कर दूं रेशनल नंबर और डिनोमिनेटर में कर दूं इरेशनल नंबर, और फिर मैं आपसे पूछूं कि भैया डिवाइड करके बताओ, तो आपकी नानी याद आ जाएगी आपको, समझे? ठीक है, देखिए, दिस इज टू अपॉन, क्या है इसका वैल्यू, और ये रुकेगा कि आगे बढ़ता जा रहा है? और हाँ, आप डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? काहे को टू आएगा? सबसे पहले बताओ कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? ये नंबर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी नहीं खत्म हुआ था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन टू से तो हम डिवाइड करते चले जाते हैं ना, टू से तो होता चला जाता, नंबर दिखता जाता, डिवाइड होता जाता। ये अभी खत्म नहीं है, आप बोलो ये बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा 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 बड़ा, बहुत बड़ा, जितने आप लिखने चाहें उतने। और ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट है, सिंगल, डिवाइड हो जाएगा, कर लेंगे। नानी याद आ गई कि नहीं आई? नहीं आई तो करके दिखाओ फिर कितना आता है, विश्वास मानिए आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना, नहीं कर पाएंगे, समझे? क्यों नहीं कर पा रहे इस डिवीजन को? क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है जो कि रुक नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? समझ रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, समझे? समझे ना। तो कोई भी फ्रैक्शन कब डिवाइड होता है? जब डिनोमिनेटर में कैसा नंबर होता है? टर्मिनेट होने वाला, समझे? अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, तो फिर आप डिवाइड कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? तो इस तरह का नंबर डिवीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझ आया? और हम इसका डिवीजन नहीं कर पाते, समझ आया? इसका डिवीजन कब पॉसिबल होगा? जब डिनोमिनेटर में कैसा नंबर आ जाएगा? बोलो बोलो, यहां कैसा था? रेशनल, तो हमने डिवीजन कर लिया था। यहां कैसा है डिनोमिनेटर? इरेशनल, तो हम डिवीजन नहीं कर पा रहे। अगर ये रेशनल बन जाए डिनोमिनेटर, तो फिर से बात वही हो जाएगी कि नहीं, है ना? तो जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आएगा तो हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी पी अपॉन क्यू फॉर्म का नंबर बने तो डिनोमिनेटर में रूट ना आए, समझ आया? मैं जो कह रहा हूं समझ आ रहा है? आया? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आया मतलब इरेशनल नंबर आया, तो उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा और हम ऐसा नंबर रखना ही नहीं चाहते। डिवीजन कब पॉसिबल होगा? जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? रेशनल। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आया है तो उसको क्या बना दें? रेशनल नंबर बना दें। जहां ये रेशनल बनेगा इसका डिवीजन पॉसिबल हो जाएगा, समझे? तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर बनाना, ये क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। क्या कहलाता है?
रेशनलाइजेशन. समझ आया? आया कि नहीं? किसको रेशनल बनाना? डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को क्या बनाना? रेशनल नंबर. एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन. आया समझ में? आया? हाँ. क्या लिखूं इसको मैं, बोलिए. मेकिंग डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर, या इसको चेंजिंग लिख लो. चेंजिंग डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन के लिए कभी यहां पर जेड यूज किया जाता है, कभी एस यूज किया जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना? ओके. सो द प्रोसेस ऑफ, इसको ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डिनोमिनेटर रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर. डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर में बदल दीजिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाँ, रेशनल नंबर बनाना, रेशनलाइजेशन. समझ आया? व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनल नंबर बनाना. तो पहले क्या रहा होगा? इरेशनल. तो एक इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना इज नोन एज रेशनलाइजेशन. आ गई बात समझ? अब कैसे बनाते हैं, ठीक है? दो मेथड सुनिए बनाने के. अगर डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है, इधर सुनो, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. सिंगल है तो, समझ रहे हैं? तो रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा? टू. देखो ये इरेशनल से क्या बन गया? रूट खत्म हो गया. ऊपर जो मर्जी वो बने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ रहे हो ना? क्योंकि ऊपर इरेशनल आया, नीचे रेशनल आया, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना? लफड़ा सिर्फ कहाँ होता है? जब नीचे इरेशनल आता है, ऊपर रेशनल आता है, या ऊपर कुछ भी आए, नीचे इरेशनल आएगा तो डिवाइड नहीं होगा. समझ रहे हो? प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है. तो हमारा टारगेट रहता है कि हमारे डिनोमिनेटर का नंबर इरेशनल नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत रेशनल बनाओ. सिंगल नंबर के लिए मेथड समझ आया क्या करना है? आया? अगर एक से ज्यादा नंबर है नीचे, जैसे ऐसा होता, टू अपॉन रूट टू प्लस वन, समझे? टू अपॉन रूट टू प्लस वन, प्लस वन माइनस वन, कुछ भी. ध्यान से समझो. इधर नीचे अब एक नंबर है कि एक से ज्यादा नंबर है? एक से ज्यादा. दो नंबर है? सिंगल नंबर होता तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता. नीचे एक से ज्यादा नंबर है तब क्या करते हैं? तो आंसर है सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन बदल के. समझे? तो मल्टीप्लाई किससे करना है? आपकी बार रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन. अगर यहां प्लस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस. नंबर वही रहेगा, जैसे ये रूट टू था तो रूट टू से मल्टीप्लाई किए. रूट टू प्लस वन है तो रूट टू वन से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन बस बदल जाएगा. समझ आया? आया? माइनस है तो प्लस. अगर ये ऐसा होता माइनस, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? रूट टू और वन तो दिखते, लेकिन ये साइन बदल के क्या हो जाता? प्लस. साइन बदल जाएगा बस. समझ आया? आप देखेंगे डिनोमिनेटर क्या बन गया? क्या बन गया? रेशनल नंबर. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, क्योंकि आप आगे इसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं. समझ गए? स्टार्ट करें बनाना, ठीक है? अब आइए एग्जांपल पर. अल्लाह नहीं, चलिए एग्जांपल नंबर 7. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस रूट 7, ठीक है? हो गया? क्या करना है? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. अगर वो कोई वर्ड यूज नहीं करे, ध्यान से सुनो, एक छोटी सी चीज और ध्यान से सुनिए, अगर उन्होंने सिर्फ लिखा होता रेशनलाइज दिस नंबर, तो भी किसको रेशनलाइज किया जाता? डिनोमिनेटर को.
जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करे कि न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है, तब तक ऊपर वाले को कभी रेशनलाइज नहीं किया जाएगा। हमेशा किसको रेशनलाइज किया जाएगा? डिनोमिनेटर को, वो चाहे लिखें चाहे ना लिखें। समझ आया? चलिए, मेथड आप समझ गए हैं, सीख गए हैं कैसे करते हैं। दिस इज 1/4 - √7। किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे? 4 और रूट सेवन तो रहेंगे ही, बीच में क्या आ जाएगा? इस साइन का उल्टा, प्लस प्लस। आप थोड़ा सा डिनोमिनेटर देखिए ना, 4 - √7, 4 + √7 मल्टीप्लाई में। देखो देखो, 4 - √7, 4 + √7। a - b, a + b, किसका फॉर्मूला है? a² - b² ये है a, सो a² माइनस ये है b, b² समझ आया? 4 + √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। समझ रहे हो? अब ऊपर तो आ गया 4 + √7, नीचे 4 का स्क्वायर इसको 16 बना देगा और √7 का स्क्वायर इसको क्या बनाएगा? 7। अगेन 4 + √7 डिवाइडेड बाय 16 में से 7 घटा दीजिए, कितना है? 9। एंड दिस इज अवर आंसर। क्यों, आपको एतराज है क्या? ऊपर में रूट आया है, हमको कोई एतराज नहीं, ऊपर जो मर्जी वो आता रहे, नीचे नहीं आना चाहिए स्क्वायर रूट, बस नीचे खत्म हो गया। समझ गए? ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको भी रेशनलाइज करना है, देखिए डिनोमिनेटर ही करना है। 3 - √2, 3 + √2 किससे मल्टीप्लाई करें बोलिए? 3 - √2, 3 - √2 समझ आया? आया हाँ। क्या बनेगा देखो, डिनोमिनेटर पहले देखो ना, ये 3 + √2, 3 - √2 मल्टीप्लाई में, कुछ दिख रहा है आपको फॉर्मेट जैसा? a + b, a - b, तो फिर से क्या लग जाएगा? a² - b² ऊपर देखिए, 3 - √2, 3 - √2 दो बार सेम है, a - b, a - b दो बार आया, a - b का होल स्क्वायर बन गया, दो बार वही चीज आया। समझे? या अगर नहीं आ रहा समझ में तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इन दोनों से कर लेना, आ जाएगा। ये तो जान रहे हैं आप मेथड, मैं फॉर्मूला लगा दूं, a - b, तो a - b कितनी बार? दो बार, तो पावर 2। समझे? a - b का होल स्क्वायर, चलिए बोलिए a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? a² - 2ab + b² लगाइए फट से, जल्दी से लगाओ, ठीक है ना? देखिए a² - 2 * a * b, ठीक है? इंटू को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं डॉट से, समझ रहे हैं? समझ रहे हो? a² - 2ab + b² b हमारा √2 है, डिवाइडेड बाय इधर नीचे 3 का स्क्वायर इसको 9 बना देगा, √2 का स्क्वायर इसको 2 बना देगा, ठीक है? यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 × 3 = 6 √2 + 2 डिवाइडेड बाय 7। फिर से ये रेशनल है, ये रेशनल है, साथ में सॉल्व हो जाएगा, ये इरेशनल है, नहीं जुड़ेगा, समझ रहे हैं? तो 9 प्लस में 2 प्लस में 11 माइनस 6 √2 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज आंसर। आया समझ? क्या ये आगे और जुड़ सकता है? बोलिए, क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि ये √2 है और इसमें √2 नहीं है, अगर √2 होता तो जुड़ जाता, ठीक है, या माइनस हो जाता। नीचे का डिनोमिनेटर हमने रेशनल नंबर बना लिया तो रेशनलाइजेशन हो गया। समझ गए? नोट कर लें।